हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको बताने वाले हैं देहरादून रेलवे स्टेशन से ईएडी ग्रुप जाने का रास्ता। जैसे आप देख रहे हो, ये देहरादून रेलवे स्टेशन है और यहाँ से जब आप बाहर निकलोगे तो आप जैसे बाहर की तरफ निकलोगे तो आपको बाहर निकलते ही विक्रम मिलेगा 5 नंबर का, जो आपको ISBT के लिए लेके जाता है। आपको लेके चलते हैं विक्रम के पास और आपको दिखाते हैं विक्रम कहाँ से मिलेंगे और कितना आपका रेंट रहने वाला है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको विक्रम मिलेगा, ये 5 नंबर विक्रम है। जब आप इसमें बैठोगे तो आपको यहाँ से ये विक्रम ISBT जाता है नॉर्मली, और आप इसमें बैठोगे तो आप ISBT ना जाके उससे पहले ही शिमला बाईपास चौक पड़ता है, वहाँ जाके आप उतर सकते हो। यहाँ से आपको इलेक्ट्रॉनिक बसेस भी मिलेंगी और साथ ही साथ आपको विक्रम मिलेगा। तो दोस्तों कन्फ्यूज़ ना हो, विक्रम 5 नंबर और इलेक्ट्रॉनिक्स बस जो आपको ISBT लेके पहुँचेगी। जैसा आप देख रहे हो, अब हम यहाँ शिमला बाईपास चौक पहुँच चुके हैं, यहाँ पे हम उतरेंगे। यहाँ से उतरने के बाद आपको रोड क्रॉस करना है। रोड क्रॉस करने के बाद क्या करना है आपको, सामने आप जैसा देख रहे हो कि वहाँ पे ई रिक्शा खड़े हैं, तो आपको ई रिक्शा लेना है, और ई रिक्शा जो लेना है आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पिट्ठू वाला के लिए लेना है, तो आपको सामने मिल जाएगा। उसका फेयर की बात करें तो 10 रुपीज़ उसका फेयर है और 5 से 10 मिनट का रास्ता है। और यहाँ से जो ई रिक्शा रहेंगे, आपको क्या कह के बैठना है या क्या कह के ई रिक्शा लेना है, जैसा आप देख रहे हो, यहाँ से आपको बोलना है ई रिक्शा वालों को कि भैया हमें गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पिट्ठू वाला जाना है। जब आप जैसे ये रिक्शा देख रहे हो, अरे ये जो ई रिक्शा हैं, यहाँ से आपको लेने हैं जो आपसे 10 रुपये फेयर करेंगे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पिट्ठू वाला के लिए। ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पिट्ठू वाला है, इसके जस्ट सामने आपको एक रोड दिखेगा अपोजिट में। मैं दिखा देता हूँ आपको रोड, ये अपोजिट में एक रोड है जो ईएडी ग्रुप के लिए जा रहा है। यहाँ से आपको वॉकिंग डिस्टेंस आपकी 200 मीटर है, आप अपने लेफ्ट में ही इस रोड पे सीधा सीधा वॉकिंग और आप 200 मीटर की दूरी पे ईएडी ग्रुप पहुँच जाओगे। मीटर की वॉकिंग डिस्टेंस करने के बाद आपको आपके राइट टर्न यानी कि राइट देखने पे आपको ईएडी ग्रुप दिख जाएगा। ईएडी की आपको बिल्डिंग सामने दिखी जाएगी, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहेगा आपके ईएडी ग्रुप। ये हमारा देहरादून का ISBT बस अड्डा। यहाँ से अब हम आपको बताएंगे ईएडी ग्रुप जाने का रास्ता। तो दोस्तों सबसे पहले आप जब ISBT उतर जाते हो, ISBT उतरने के बाद यहाँ फ्लाईओवर दिख रहा है, फ्लाईओवर को आपको अपने लेफ्ट क्रॉस करना है। लेफ्ट क्रॉस करने के बाद यहाँ से आपकी 100 से 150 मीटर की दूरी है जो आप वॉकिंग डिस्टेंस से कर सकते हो, या फिर आप ई रिक्शा भी ले सकते हो यहाँ से। बाकी आप वॉकिंग डिस्टेंस आपकी 150 से 200 मीटर है और आप शिमला बाईपास चौक पहुँच जाओगे। और यहाँ से जो ई रिक्शा रहेंगे, आपको क्या कह के बैठना है या क्या कह के ई रिक्शा लेना है, जैसा आप देख रहे हो, यहाँ से आपको बोलना है ई रिक्शा वालों को कि भैया हमें गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पिट्ठू वाला जाना है। जब आप जैसे ये रिक्शा देख रहे हो, अरे ये जो ई रिक्शा हैं, यहाँ से आपको लेने हैं जो आपसे 10 रुपये फेयर करेंगे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पिट्ठू वाला के लिए। ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पिट्ठू वाला है, इसके जस्ट सामने आपको एक रोड दिखेगा अपोजिट में। मैं दिखा देता हूँ आपको रोड, ये अपोजिट में एक रोड है जो ईएडी ग्रुप के लिए जा रहा है। यहाँ से आपको वॉकिंग डिस्टेंस आपकी 200 मीटर है, आप अपने लेफ्ट में ही इस रोड पे सीधा सीधा वॉकिंग और आप 200 मीटर की दूरी पे ईएडी ग्रुप पहुँच जाओगे। दो सौ मीटर की वॉकिंग डिस्टेंस करने के बाद आपको आपके राइट टर्न यानी कि राइट देखने पे आपको ईएडी ग्रुप दिख जाएगा। ईएडी की आपको बिल्डिंग सामने दिखी जाएगी, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहेगा आपके ईएडी ग्रुप। आशा करते हैं कि आपको रास्ता समझ में आया होगा। अगर आपको रास्ता समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। धन्यवाद एंड थैंक यू ऑल द वेरी बेस्ट।